आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की समस्त कार्यवाही अब ऑनलाइन हो गई। कल ई विधानसभा का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कल 11 बजे ओम बिरला ई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। ई विधानसभा के लिए 21 मई को विधायकों की ट्रेनिंग शुरू होगी। पेपरलेस विधानसभा संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 60 विधायकों को एक बार में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 23 तारीख से जहां विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले ही विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब बजट सत्र की शुरुआत पेपरलेस होगी, लेकिन इस बार विधानसभा को काफी हाईटेक कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र से पहले खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों का निरीक्षण किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, खुद निरीक्षण करते हुए नजर आए और साथ ही उनके विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस बार भी विधानसभा, यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही पेपरलेस होगी। ऑनलाइन माध्यम से उसका प्रसारण भी किया जाएगा। विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल से उसका उद्घाटन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 बजे उद्घाटन करेंगे ई विधानसभा का, और इस बार की कार्यवाही भी पेपरलेस होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा डिजिटल कर दिया गया है इस बार के विधानसभा सत्र की कार्यवाही को। और उससे पहले सभी मंत्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जहां 21 तारीख से प्रशिक्षण दिया जाएगा, 23 तारीख से कार्यवाही शुरू की जाएगी सत्र की। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से पूरी कार्यवाही का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही पेपरलेस तरीके से की गई थी। टैबलेट के माध्यम से बजट को पेश किया गया था, और इस बार आप देख सकते हैं सभी टेबल भी चिन्हित कर दिए गए हैं, बैठने की जगह चिन्हित कर दी गई है, सभी मंत्रियों के बैठने का स्थान बना दिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, पिछली बार भी बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो पेपरलेस की गई थी, और साथ ही साथ टैबलेट के माध्यम से बजट सत्र पेश किया गया था। इस बार भी ऑनलाइन किया जाएगा, ई बजट रहेगा, लेकिन इस बार पिछली बार से क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? जी शिखा, आपको बता दें कि 18वीं विधानसभा की शुरुआत का पहला बजट सत्र, जो कि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र होगा, जिसमें आपको बताएं कि इस बार बात की जाए तो पिछली बार टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया गया था, जिसमें सभी विधायकों को, जो 403 विधायक थे, उनको टैबलेट के माध्यम से विधानसभा की जो कॉपियां होती थी वो टैबलेट के माध्यम से पढ़ने को कहा गया था। उसमें सभी एजेंडाएं दिए गए थे, मगर इस बार आपको बताएं कि शिखा की विधानसभा में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ विधानसभा के अंदर में आज पिक्चर गैलरी की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं तमाम महापुरुषों के तस्वीरों को वहां की दीवारों पर उनकी तस्वीरों को लगाया गया। वहीं आपको बताएं कि विधानसभा में पहले 379 सीट हुआ करते थे, जिसको आपको बताएं कि इस बार का जो विधानसभा होगा उसमें 403 सीटों का बैठने का प्रावधान किया जाएगा। आपको बताएं कि 379 सीटों का जो पहले हुआ करता था, जब माना ये जाता था कि सभी जो सदस्य हैं विधानसभा के वो मौजूद नहीं रहेंगे, मगर इस बार पूरी तरह से पेपरलेस और ई विधानसभा के तहत 403 सीटों का प्रावधान किया गया है। 403 सीटों पर सभी जगहों पर एक एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में टैबलेट और टैबलेट के साथ पेन लगाए गए हैं। उसमें जो एजेंडा होगा वो टैबलेट पे होगा, साथ ही साथ सभी विधायकों के पास एक उसकी जो कुंजी होती है, जो उसका पासवर्ड होता है, वो विधानसभा के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि कल ई विधानसभा की शुरुआत करने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आएंगे। और माना यह जा रहा है कि जो इस बार का बजट होगा वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा, कहीं पेपर का उपयोग नहीं होगा, सभी चीजें डिजिटल प्रणाली के
माध्यम से पेश होंगी। वहीं आपको बताएं कि जो एजेंडा होता है, सवाल जवाब होता है, और आपको बताएं कि इन सब चीजों को अब टैबलेट से किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि आज पिक्चर गैलरी की जब शुभारंभ की गई है, तो उस पिक्चर गैलरी के शुभारंभ के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना रहे, साथ ही आपको बताएं संसदीय एवं वित्त कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इन लोग की मौजूदगी में आज ई गैलरी के पिक्चर गैलरी की शुरुआत की गई विधानसभा के अंदर में, जिसमें तमाम नेताओं की जो जो भारत के लिए साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की विकास के लिए योगदान दिए हैं, चाहे बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत हो जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी तस्वीर के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का आज इनॉग्रेशन किया गया है। उसका इनॉग्रेशन योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, और कल ई विधानसभा को लेकर कल लोकसभा के स्पीकर के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं शिखा आपको बताया कि 21 तारीख से जो विधायक होंगे उनको टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो जो 23 तारीख से विधानसभा के सत्र शुरू हो रहे हैं, तो उसमें कैसे उनको उस गैजेट्स का प्रयोग करके और कैसे उस पे काम करना है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और 21 और 22 को पूरी ट्रेनिंग रखी गई है, और 23 से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो सीधे तौर पर इस बार का जो लोकसभा की जो विधानसभा की कार्यवाही है उसे ई विधान कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल पेपरलेस कर दिया गया है। ऑनलाइन और डिजिटल गैजेट्स के साथ इस बार की कार्यवाही होगी, और अब विधानसभा की जितनी भी कार्यवाही होंगी वो सभी पेपरलेस की जाएंगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी है, जहां अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले में मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि सिविल कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुना जाएगा। जिला कोर्ट ने हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, रंजना अग्निहोत्री के सर्वे की अर्जी को मंजूरी दी है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। 10 याचिका इससे पहले दायर की गई थी, और अब पुनर्विचार याचिका डाली गई थी जिसपे अब सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अब जोरों शोरों से उठने लगा है। लगातार धार्मिक स्थलों का मुद्दा इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है, और जब से ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है, और तभी से उससे पहले से ही कहा जा रहा है कि मथुरा का मुद्दा भी उठेगा, और अब मथुरा का मुद्दा उठ रहा है, और मथुरा के मामले में आज सुनवाई की गई, और उसमें जो है याचिका स्वीकारी गई है, पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। इससे पहले 10 याचिकाएं डाली गई थी। आपको बता दें कि जिला कोर्ट ने हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की सर्वे की अर्जी को मंजूरी दे दी है। और इस खबर पे हमारे साथ मथुरा से संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो याचिका डाली गई थी इस बार पुनर्विचार की, उसमें मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अब अगली सुनवाई कब होगी? साथ ही साथ ज्ञानवापी का मुद्दा तो इस वक्त उठा है, और अब मथुरा का भी मुद्दा उठ गया, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी के मुद्दे के बाद में अब मथुरा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठता है, जो कि आज जो सुनवाई मंजूर की गई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं धर्माचार्यों से लेकर के सभी में बहुत खुशी की लहर है। और इस याचिका की सुनवाई की मंजूरी होने के बाद में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। जी, सभी ने ये मांग की है कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उस पर यह है कि ये हमारी 13.37 एकड़ जगह है, जो कि इसमें श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और इसको अवैध कब्जे के रूप में ये दबा के मस्जिद बनाई गई है, तो इसको मुक्त कराने के लिए ये याचिका दायर की गई थी, और अदालतों के बाद में आज ये स्वीकार की ली गई है। इसको लेकर के बहुत पूरे वृत्त क्षेत्र के सभी में खुशी की लहर है। जी, अगर बात करें इससे पहले कि जो याचिकाएं डाली गई थी, यानी कि जो 10 याचिकाएं डाली गई थी, उनके बारे में भी जानकारी चाहिए। जी, पहले जो याचिकाएं दायर की गई थी वो निचले अदालत रद्द कर दी गई थी, फिर उसके बाद में दोबारा आ गई। कई सारी मांगे थी, उसको लेकर के मेन मांग ये थी कि मुख्य रूप से ये विराजमान श्री कृष्ण जन्म स्थान है और इसको मुक्त किया जाए, तो आज ये मंजूर की गई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धनीराम खंडेलवार जुड़े थे मथुरा से। तो मथुरा में भी अब जब सुनवाई की मंजूरी मिल गई है, तो लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लगातार धार्मिक मुद्दे, जो लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले के बाद अब मथुरा का रुख भी किया गया है।
और अब हमारे साथ अयोध्या से महंत जुड़ चुके हैं राजकुमार दास जी। राजकुमार जी, जिस तरह से पहले ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया गया, अब जिस तरह से फैसला आ चुका है अयोध्या पे, और अब मथुरा का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? निश्चित रूप से सनातन जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतवर्ष के लिए। जिस तरह से आक्रांताओं ने लगातार हिंदू मान बिंदुओं को नष्ट करने का प्रयास किया, आज माननीय न्यायालय और जनता जनार्दन जागृत हो गई है और ये सनातन धर्म के लिए स्वर्णिम काल है। जी, तो जिस तरह से मुगल शासकों ने सभी धार्मिक स्थलों को बदल डाला था और अब एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है, कोर्ट भी अब सुनवाई कर रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से ये संवैधानिक देश है, भारत ने सहजीवन में और सह अस्तित्व में विश्वास किया है, सबको गले लगाया है और हमारा मानना है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। हमने पूरे वसुधा को अपना परिवार माना है, लेकिन उस परिवार का भी दायित्व बनता है कि हमारे क्रियाकलापों में, हमारे धार्मिक मानदंडों में, हमारे जो धर्म प्राण देश भारत है उसको बचाए रखें, उसको बरकरार रखें, और वो भी अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता से अपने पूजा स्थल, अपने जो भी उनके हैं, वो उन क्रियाकलापों को करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जो मानबिंदु हैं सनातन धर्म के, उनको नष्ट ना करें। उनको जो नष्ट किया गया है, जो ऐतिहासिक भूल हुई है, उसको निश्चित रूप से सुधारा जाना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को। बिल्कुल महंत जी, इससे पहले माना जाता था कि अगर ऐसा कोई मुद्दा होगा जिस पे सुनवाई की बात करी जाएगी तो शांति भंग होगी, लेकिन इस वक्त शांतिप्रिय तरीके से सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म विशेष के हो, सभी अपना सहयोग भी कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, कितना जरूरी है ये देश के लिए? ये बहुत, यही भारत की पहचान है, भारत की पहचान यही है कि आपस में सौहार्द बना रहे। जो भारत पूरे विश्व को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाता चला आया है, तो वही पहचान है, और उस पहचान को बनाए रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ राजकुमार दास जी, महंत जुड़े थे अयोध्या से। तो 1 जुलाई को अब सुनवाई की बात कही जा रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अब उठा है, अयोध्या का मामला जो काफी लंबे समय से चल रहा था, उस पर फैसला आने के बाद सभी लोगों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली थी। एक दिवाली के रूप में त्योहार की तरह उस दिन को मनाया गया था जब वो फैसला आया था राम जन्मभूमि का। अब इस वक्त मौजूदा समय में ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है, जहां 5 महिलाओं द्वारा याचिका डाली गई थी और रोजाना पूजा करने की मांग करी गई थी, और उसमें सुनवाई हो रही है। हालांकि एक महिला ने बैकआउट कर लिया है, लेकिन अभी भी 4 महिला उस चीज को आगे बढ़ा रही, अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, और अब मथुरा का मुद्दा भी उठने लगा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हाजी मोहम्मद सलीम जी जुड़ चुके हैं, सुन्नी उलेमा काउंसिल से हैं। हाजी जी, जिस तरह से अब मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञानवापी की सुनवाई भी हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहेंगे, हमने कानून को, इंसाफ को मुर्दा पाया, हमने तहजीब को, अखलाक को रुस्वा देखा, हमने तौहीन मसाजिद के मनाजिर देखे, हमने तजदीद व मकाबिर का तमाशा देखा, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन पर कोई भी हुकूमत तवज्जो न दे करके सिर्फ लिंग मिल गए, फलाने मिल गए, मूर्ति मिल गए, मस्जिद मिल गई, इनको मिसमार कर दो। ये आरएसएस का जो एक जेरीना ख्वाब है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 50,000 मस्जिदों को लिस्टिंग कर रखा है कि हमें इनको मिसमार करना है, वो इस मुल्क को तरक्की के बजाय तहतुसरा में ले जा रहे हैं। आज वो ये समझ रहे हैं कि ताकत उनके पास है, लाठी उनकी है, भैंस उनकी है, लेकिन ये हमेशा रहने वाली नहीं है। जी, आज जिस तरह से अदालतें काम कर रही हैं, जिस तरह से मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे उनकी इबादत गाहों को लेकर, चाहे उनके मदारिस को लेकर, चाहे उनकी मसाजिद को लेकर, जिस तरह से ये हरकत हो रही है, ये किसी भी तरह से न संवैधानिक है, न इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है।
जी, लेकिन आप इससे जी जो भी इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं आप उससे नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है तो आपकी जो नाराजगी कोर्ट कैसा कोर्ट किसका कोर्ट कोर्ट में वही शिशु शिक्षा सदन से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो एक मानसिकता सेट कर दी गई है बचपन से लेकर के जवानी तक, वो उस मानसिकता से ग्रस्त है। अभी कल ज्ञान ज्ञाति की मस्जिद के मामले में जिस सर्वेयर को उन्होंने कोर्ट ने स्वयं निष्कासित किया जी, उसको निकाल दिया कि ये इस लायक नहीं है, इसने लीकेज कर दिया सारा मामला, तो उसी सर्वेयर की दो पन्ने की रिपोर्ट कोर्ट ने कैसे तस्लीम कर ली, ये तो तमाशा हो रहा। इसी तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो पूरा भगवा ब्रिगेड प्रचार कर रहा था, जो संघ परिवार प्रचार कर रहा था कि मंदिर तोड़कर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, कि और जब कोर्ट ने ये तस्लीम कर लिया कि यहाँ कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर के सबूत प्रमाण नहीं मिलते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या किया जी? उसके बावजूद कोर्ट ने वही किया जो उनको संघ के मुखिया के यहाँ से डायरेक्शन मिला था। यानी आप कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है? अरे कोर्ट का आएगा, कोर्ट का फैसला जब ये मान लिया कि मंदिर तोड़ के नहीं बना तो मस्जिद क्यों दे दी उन्होंने एक मूर्ति को, ये सवाल नहीं उठेगा। और उसके बाद वो रात में जाकर के 5 सितारा होटल में शराब की महफिल सजाते हैं और फिर उनको इनाम के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। यह है न्याय प्रक्रिया हमारे देश की। और जिस तरह से इतिहास पढ़ाया गया है, इतिहास में भी देखा गया है कि मुगल शासक आए, उन्होंने कई धार्मिक स्थलों पे आक्रमण किया, तो क्या उस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं? आक्रमण किया, ये ज्ञान व्यापी के मामले में राजा ज्ञान सिंह की पत्नी और उसकी दो दासियों को जब तहखाने के अंदर बलात्कार और नंगी अवस्था में मृत पाया गया, तो उस राजा उस ज्ञान सिंह की सेना ने उस मंदिर पर जो कुछ भी किया, औरंगजेब ने क्या किया है? जरा इतिहास को खंगालना है तो फिर आओ खंगालो, कितने बौद्ध मठों को तुमने तबाह किया, कितने दलित समाज सुधारों को कत्ल कराया गया इस देश के अंदर, सारी चीजें उलट करके देख लो जरा। मुस्लिम शासकों पर इल्जाम लगाते हैं, 53 ठकुराइनों की शादी जो है मुगल शासकों के परिवार के लोगों के साथ की गई है, औरंगजेब के 2 बेटों के साथ ठकुराइनों की शादी की गई है, अगर वो सब अत्याचारी थे, इनके धर्म के नाशक थे, तो उनसे रिश्ते कैसे ना स्थापित किए गए? जी बिल्कुल, ना उस वक्त आप थे ना हम थे, ये जांच का विषय है कि उस वक्त परिस्थितियां क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हाजी जी जुड़े थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा है और वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं कोर्ट के फैसले से, उन्होंने अपनी बात रखी है और काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। रुक करते अगली खबर का, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। बता दें कि 88 मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम का ट्वीट भी सामने आया है। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। इसके साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का भी बयान सामने आया, आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर तंजीम फातिमा ने कहा, यह सच्चाई की जीत हुई है, आजम खान सीधा रामपुर आएंगे। साथ ही प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने ट्वीट कर लिखा, जिस घड़ी का प्रतीक्षा थी और वो आज पूर्ण हुई, लंबे अरसे से न्याय की प्रतीक्षा थी, उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। तो अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है शुभचिंतकों के बीच। आजम खान की जमानत के बाद अब सभी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां शुभचिंतक और कार्यकर्ता लड्डू बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सपा की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए, कहा जा रहा था कि उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन उनको आज जमानत मिल गई है 89वें मामले में भी। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आजम खान को जमानत मिल गई है, जितने कुल 89 मामले थे सभी में जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें राहत कब मिलेगी इन मुकदमों से? ये राहत तो जब प्रक्रिया चलेगी और सुनवाई होगी उसके बाद ही राहत की बात हो सकेगी, क्योंकि लगातार अभी यहाँ पर जमानत मिली है। मैं बता दूं इतने मामले इनके ऊपर दर्ज है, जमानत मिलना था, जमानत मिल गई, अंतिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दी है। पर यहाँ पर जो मामले हैं उनकी सुनवाई चलती रहेगी और कितने मामलों में क्या होता है, आने वाले समय में उनको सजा मिलती है कि दोष मुक्त पाए जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं जो बाद में सामने आई, सुनवाई तो यहाँ पर जारी रहेगी। साथ ही साथ चूँकि बड़ा हाई प्रोफाइल ये इस समय चर्चा का विषय था और लगातार इस विषय में
कई जो दल हैं वो संलिप्त थे। अगर हम संलिप्तता की बात करें तो कई जो आजम खां के जो मीडिया प्रभारी हैं फसाद अली, उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खां बाहर आए और उनको हमारे कपड़ों से बदबू आ, इस तरह के लेटर भी जारी हुए थे। इसके बाद देवबंद के मौलाना रिजवी साहब ने भी एक लेटर जारी किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह यादव से अपील की थी कि आजम खां को बाहर निकालने के लिए प्रयास करें। तो इस तरह के लेटर जारी हुए हैं और इस्तीफे की बात भी, दो लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। तो इस रूप से मामला बड़ा संजीदा था और निश्चित चर्चा भी लगातार चल रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है मुसलमानों से, इसलिए अखिलेश यादव आजम खां को निकालने के लिए पहल नहीं कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव बार बार यही कहते आ रहे हैं हम उनके साथ हैं और आज से उनके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर जिस तरह से आज उनको 89 मामले जमानत मिली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अब सुनवाई होगी और कई बड़े मुकदमे पर फैसला आना भी बाकी होगा। जी गौरव, अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर खुशी जाहिर करी है, सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद लिखा। इसके साथ ही पत्नी तंजीम फातिमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जब ये जिनका जो 88वां मामला था उस पर जमानत होती थी सत्य संपत्ति वाले मामले में और इसकी सुनवाई हो चुकी थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लटाड़ भी लगाई थी कि आप 137 दिन से कोई मामला को आप रखे हुए हैं, उस पर फैसला सुरक्षित रखे हुए हैं, इसका आप क्यों सुनवाई नहीं करते, क्यों उसमें फैसला नहीं देते हैं। तो इस तरह की लटाड़ हुई थी। उसके बाद फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट के लटाड़ के बाद हाईकोर्ट भी उसने संज्ञान लिया था, उसने फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतिम जमानत दी। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उनके लिए बेहतर साबित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अंतिम जमानत मिली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब्दुल्ला आजम ने उनको धन्यवाद कहा है और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जी, और कहीं ना कहीं बाकी लोगों का भी प्रेम देखने को मिल रहा है। सपा के अलावा प्रसपा प्रमुख का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी कहा है कि जिस घड़ी का इंतजार था वो आज पूर्ण हुई है, किस तरह से देखते हैं? जी क्या अखिलेश का साथ, जी क्या अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं, शिवपाल का साथ पकड़ सकते हैं आजम खान, क्योंकि जिस तरह से मिलने भी गए थे जेल और तमाम चीजें देखने को मिली, बाकी दल भी कहीं ना कहीं आजम खान को अपना साथ लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्रमोद कृष्णा मुलाकात कर रहे हैं और जब समाजवादी पार्टी से रविदास मोहरोत्रा वहां मिलने गए थे तो आजम खान ने मिलने से मना कर दिया था। अखिलेश यादव केवल एक बार मिलने गए थे और शिवपाल सिंह यादव कई बार उनके जाके मिल चुके हैं और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव की बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा कि आजम खां के जो समर्थक हैं और खासतौर से जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं वो भी लगातार समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो आने वाले समय में क्या होगा, हालांकि अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि हम उनके साथ अंतिम दिन तक उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। आजम खान ने भी बयान दिया था कि हाँ हम सपा में हैं फिलहाल, अब आगे जाके क्या होगा, समीकरण क्या बदलेगी, मुकदमे बहुत सारे हैं और आने वाले समय में किस तरह की और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अंतरिम जमानत मिली है, रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि आपको नियमित जमानत के लिए भी सारे न्यायालयों में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पर अपील दाखिल करनी होगी। तो अंतरिम जमानत मिलना किसी केस से मुक्त हो जाना नहीं होता है, यहाँ पर सुनवाई होगी, आने वाले समय में क्या फैसला होगा और आजम खां किस ओर जाएंगे, क्या नाराजगी रहेगी, किसका साथ पकड़ेंगे, आने वाले वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सभी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। रोड रेज मामले में सिद्धू को जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के इस मामले में पुराना फैसला बदलते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी है। बता दें कि रोड रेज में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसमें आज फैसला सुनाया गया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रोड रेज में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही सिद्धू इस मामले में घिरे हुए हैं और पिछले मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला बदलते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एक साल की सजा सुना दी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक बड़ी पहचान रखते हैं कांग्रेस में, पंजाब में, और आज उनको बड़ा झटका लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 1988 का ये मामला है, 1988 रोड रेज मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है।
अपने पुराने फैसले को बदलते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। रोडरेज में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसमें आज फैसला सुनाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिव्या श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। दिव्या, इस मामले से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी शिखा, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद इस कोर्ट में सुनवाई की है। एक साल की उन्हें सजा सुनाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके ऊपर एक साल का अभी जेल में भेजा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 27 दिसंबर 1988 का ये मामला है, जिसके अंतर्गत ये हुआ था कि सिद्धू अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहे थे और गुरनाम सिंह नामक एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें रास्ते में जिसके साथ उसके साथ भिड़ंत हो गई, और तुरंत ही उसके बाद सिद्धू गुस्से में आकर उन्होंने सिद्धू जी ने उन्हें एक मुक्का मार दिया बहुत तेज, और उसके बाद वो अस्पताल ले जाया गया और गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई। और 1988 का ही मामला था। तुक्ता सबूत ना होने के कारण सिद्धू को रिहा कर दिया गया था, और 2006 में फिर वारदात आई, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की उन्हें सजा सुनाई, जिसके बाद 3 साल की सजा सुनाने के बाद फिर भी सिद्धू ने चुनौती दी कोर्ट को, और अब 19 मई 2022 को उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही में 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जी शिखा, के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता दिव्या श्रीवास्तव जुड़ी थी। तो बड़ा झटका लगा है सिद्धू को, और काफी लंबे समय बाद इस मामले में फैसला सामने आया है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।